राम राम जी, कैसे हो आप सब? आप सबका आपके अपने चैनल विलेज लाइफ विद सीमा पर स्वागत है और आप सभी को आज दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लाएं और जैसे बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, अंधेरे पर प्रकाश की जीत हुई थी, उसी प्रकार से कन्नड़ी टेंट हाउस और मधुसूदन मिल्क बूथ वालों ने यहाँ पर आपके लिए पनीर के पकोड़े और देसी घी की जलेबियाँ, इनका प्रबंध किया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इनको अपना सहयोग करें और देखें कि कितनी अच्छी क्वालिटी है। आपकी आंखों के सामने ही सारा जो माल है वो तैयार किया जा रहा है, तो आप शाम तक संपर्क कर सकते हैं। दिवाली के मौके पर भी 4 से 5 दिन इनके जो कार्यक्रम है वो यहाँ पर रहेंगे और स्पेशल जो शुद्ध देसी घी की जलेबियाँ हैं और पनीर के पकौड़े हैं और अन्य मिठाइयाँ हैं वो भी उपलब्ध रहेंगी दिवाली पर। तो आप देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इनका सहयोग करें। ये बिल्कुल, ये देखो क्वालिटी, हाँ कभी भी आगे चेक कर सको। ये देखो नकली क्वालिटी साबित करने पर 1100 रुपये इनाम है भाई साहब। हाँ भाई, नकली क्वालिटी साबित करने पर 1100 रुपये इनाम है। दूध घी की आ गई, पनीर की आ गई, ले भाई। हाँ जी, जो भाई ये चेक कर सका है अपना बूथ पे घोषणा कर दी, अगर कोई भी डुप्लीकेट क्वालिटी साबित करता है तो आके नगद इनाम ले जाना, साबित कर जाना, सीधी सी बात है। ये डालडा रिफाइंड ये ऐसी चीज़ें आप यूज़ नहीं करते भाई, शुद्ध देसी घी चला जा। ये देखो जी, अपने मधुसूदन घी की शुद्ध देसी घी की जलेबियाँ 250 रुपये किलो से। देखो भाई, क्वालिटी आप चेक कर सको, पहले भी दिखाई है। ये रहा अपना शुद्ध देसी घी मधुसूदन का, ब्रांड भी देख लो भाई, देखो मधुसूदन का है। अगर डायरी जलेबी, अगर डायरी साथ में पनीर के पकौड़े भी है भाई। ये पनीर के पकौड़े हैं, विक्रम सिंह नैन, देखो पनीर के पकौड़े 300 रुपये किलो है और शुद्ध देसी घी की जलेबियाँ 250 रुपये किलो है। तो अगर डेयरी प्रोडक्ट की बात आवेगी मैं तो अपना बेरा मधुसूदन तो ऊपर ब्रांड कोई है नहीं, ठीक है। और दिवाली पे भी अपना मधुसूदन का घी चला था तो लोग न्यू कहते मधुसूदन की बनाई हो, तो एक वीडियो डाल भी रखी है वहाँ, खोल दे कि यार घी की भाई कोई मिलावट नहीं है। अगर कोई बंदा न्यू कहते मिलावट है, क्वालिटी डुप्लीकेट है, तो एज यू साबित कर दो 1100 रुपये इनाम है, ठीक है। तो भाई अपना प्रोग्राम चल रहा है, ले जाओ भाई, देख बस स्टैंड के पास है भाई कन्नड़ी।